नमस्कार, मैं हूं प्रभास झा और लाइव हिंदुस्तान के स्पेशल चुनावी कवरेज की सीरीज 24 का चौधरी कौन में आपका स्वागत है। हम 1 अप्रैल को बागपत से निकले थे, बागपत, कैराना, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर होते हुए हम अभी देवबंद पहुंचे हैं। देवबंद में हमारे साथ हैं यहाँ के विधायक कुंवर ब्रजेश सिंह। हम इनसे समझेंगे कि वेस्टर्न यूपी में क्या माहौल है, भाजपा को लेकर क्या इन लोगों की रणनीति है, और जो दबी जुबान में ठाकुरों के प्रतिरोध के स्वर दिख रहे हैं, हम उनसे भी इस पर भी उनसे बात करेंगे, क्योंकि ये खुद क्षत्रिय समाज से आते हैं, तो क्या कितना इन्होंने समझा है उस विरोध के स्वर को। तो ब्रजेश जी, ये बताइए कि ओवरऑल वेस्टर्न यूपी आप दौरा कर रहे होंगे, आप मुरादाबाद परसों गए भी थे, तो क्या बातचीत चल रही है आप लोगों को, क्या असेसमेंट है कि कितनी सीटें निकल रही हैं, क्या मतलब ओवरऑल पिक्चर क्या बन रही है? देखिए, आपने सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की, आपने मेरे समाज की बात की। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी जातिगत आधार पर राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी एक सर्वसमावेशी और सर्वस्पर्शी पार्टी है। दूसरी बात रही बात सीटों की, हम लोगों के पास पिछली बार जितनी सीटें थी उससे कई ज़्यादा गुना संख्या में हम उत्तर प्रदेश के अंदर सीटें जीतने जा रहे हैं। जहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी बात है, जो सीटें हम पिछली बार बहुत कम मतों के अंतर से लूज कर गए थे, उनमें मेरी स्वयं की लोकसभा सहारनपुर लोकसभा भी थी। हमारे जिन जो पहले प्रत्याशी थे, इस बार भी हमारे वही प्रत्याशी हैं, चाहे सहारनपुर हो, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे संभल हो, चाहे बिजनौर हो, चाहे नगीना हो, चाहे अमरोहा हो, इन सब सीटों को पुनः भारतीय जनता पार्टी बड़े विश्वास के साथ, मैं आप सबको कह रहा हूं कि हम जीतेंगे, शत प्रतिशत जीतेंगे। उसके कारण मैं आपको गिना देता हूं। विश्व का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमारे पास है। देश के समस्त मुख्यमंत्रियों में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रूप में हमारे पास है। भारत की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की पूरी चाणक्य नीति और अपने कार्यकर्ताओं को बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के किस प्रकार कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करना है, अब उस रणनीति का खुलासा तो मैं चैनल पर नहीं करूंगा, लेकिन हमारा एक एक कार्यकर्ता दिन रात एक मेहनत करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार के आंकड़े को पार करेगा। नहीं, हम आप कह रहे हैं कि भाजपा सर्वसमावेशी और सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, ये ठीक बात है, लेकिन जब चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं जाति आकांक्षाएं, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, ये सब भी उभर कर आती है और सारी पार्टियां उनका ध्यान रखती हैं, आपकी भी पार्टी इसका ध्यान रखती है। पर कहीं ना कहीं जब हम भी दिल्ली से चले थे तो वीके सिंह का टिकट कटने के बाद वहां भी ठाकुरों की एक पंचायत हुई, हम जिन जिन लोकसभा क्षेत्र से गुजर रहे हैं वहां वहां ठाकुरों पे एक प्रतिरोध के स्वर ठाकुर बहुल इलाकों में हमें देखने को मिल रहे हैं। मुझे यहां पर बालियान जी का विरोध भी हुआ एक गांव में खतौली में, तो कहीं ना कहीं तो विरोध है ना, उस विरोध को कैसे देखते हैं आप? जिस विरोध की आप बात कर रहे हैं, जिस समाज को लेकर के आप विरोध की बात कर रहे हैं, ये मैं मानता हूं कि समाज के अंदर इस बात को लेकर के थोड़ा सा रोष है कि वीके सिंह जी का टिकट या वहां से क्षत्रिय समाज को मिलने वाले टिकट को काट दिया गया, लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं, केवल सांसद बनाना ही क्या केवल समाज का प्रतिनिधित्व हो सकता है? ऐसा तो नहीं है। देश के रक्षा मंत्री मेरे समाज से आते हैं, देश के करोड़ों सैनिक जो सीमाओं पर रक्षा करते हैं वो हमारे समाज से आते हैं। जब हम बात करते हैं जाति की तो हमें सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। आज जो मेरे समाज के सैनिक या देश के करोड़ों सैनिक सीमा पर जब रक्षा करते हुए अपनी मां भारती की रक्षा करते हैं, वो जाति का आधार पर नहीं करते हैं, उनके लिए सबसे पहले कोई मां होती है तो वो भारत मां होती है। और क्षत्रिय समाज वो समाज है जिसने सदैव अपने साथ चलने वाले निर्बल वर्ग के समस्त समाजों का साथ लेकर के, चाहे उसमें महाराणा प्रताप जी को ले लीजिए, छत्रपति शिवाजी को ले लीजिए, पृथ्वीराज चौहान को ले लीजिए, चाहे जिस हमारे पूर्वज को ले लीजिए, इन सब का साथ हमारे साथ चलने वाले निर्बल वर्गों के लोगों ने भी दिया है, इसलिए मैं क्षत्रिय समाज। दूसरी बात, जितनी पंचायतों की आपने चर्चा की है, इन सब पंचायतों में किसी भी एक पंचायत में यह निर्णय कहीं नहीं हुआ है कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। हाँ, ये है, उन्होंने अपना रोष व्यक्त किया है और वो जो रोष है उस अपने समाज के रोष को हम समाज के परिवार में बैठ करके सुलझा लें। तो उसके लिए कोई विशेष रणनीति बना रहे हैं आप लोग क्या? ऐसा मतलब ऐसी कोई रणनीति है क्या कि जैसे वीके सिंह जी का टिकट कटने पर मान लीजिए कि एक समूह में रोष है तो उनको लेकर वो लोगों के बीच जाएं, अपील जारी करें, इस टाइप की कोई रणनीति? प्रभास जी, वो एक पॉलिटिकल रणनीति होती है और अभी आपके ही
चैनल के द्वारा एक बहुत बड़ा इंटरव्यू में माननीय गृह मंत्री जी पधारे थे और आपके पत्रकार को उन्होंने जवाब दिया था कि क्या इस रणनीति को मैं पत्रकारों को बताऊंगा, तो ठीक यही मेरा भी जवाब है, जो रणनीति है उस रणनीति पर हमारा दल और हमारे लोग चर्चा कर रहे हैं। सवाल पूछना ब्रजेश जी हमारा काम, आपका दायित्व है, लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट करता हूँ कि किसी भी प्रकार के रोष को हम मतदान के पहले दिन तक। छह तारीख को प्रधानमंत्री की रैली है, ठीक है, आपके लोकसभा क्षेत्र में, उसके साथ साथ तीन राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, धामी जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं और नायब सैनी जी भी आ रहे हैं, तो ये किसी खास खतरे को भांप कर ये रैली की गई है या मतलब ये इसके पीछे की पूरी सोच क्या है? नहीं, किसी खास खतरे को भांप करके नहीं की गई है। देखिए, हमारे दल के ही तीनों राज्यों में सरकार है, हमारे तीनों राज्यों में हमारे दल के मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हम एक बड़ी सभा करने जा रहे हैं। हर राजनीतिक दल का कार्यकर्ता ये चाहता है जिस समाज को हमने प्रतिनिधित्व दे करके एक राज्य का मुख्यमंत्री बनाया हो, जिस राज्य का प्रतिनिधित्व हमने एक समाज को दिया हो, उन समाज के लोग चाहते हैं कि हमारे समाज के नेता मंच पर दिखाई दें। अब उसमें चाहे धामी जी हों, चाहे माननीय योगी जी हों, चाहे नायब सैनी जी हों, और मैं दूसरी बात कहता हूँ प्रभाष जी, देश के एकमात्र सर्वमान्य नेता इस समय हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री, हमारे सभी प्रदेशों के कार्यकर्ता, और उसमें चाहे सहारनपुर जनपद का प्रत्येक कार्यकर्ता हो या पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता ले लीजिए या उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता को ले लीजिए, एक ही लक्ष्य को लेकर के निकला है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में दिए गए कार्यकर्ताओं के संकल्प को 400 के पार को हम पहुंचा, इस संकल्प के साथ प्रत्येक कार्यकर्ता इस समय काम कर रहा है। अच्छा, हम जब घूम रहे थे कुछ इलाकों में तो लोगों का बसपा के प्रति भी थोड़ा सा रुझान दिख रहा था, लोग कह रहे थे कि जैसे आपके ही इलाके में माजिद अली कैंडिडेट हैं, तो लोग कह रहे थे कि माजिद अली को भी दलितों का और कुछ मुस्लिमों का वोट मिल रहा है, कश्यप और सैनी लोग कह रहे थे कि हो सकता है थोड़ा सा भाजपा से छिटकेंगे इस बार, ऐसी कोई रिपोर्ट है क्या आप लोगों के पास? जो कांग्रेसिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं 2014 से लेकर आज तक हुए, चाहे पंचायत का चुनाव हो चाहे नगर निगम का चुनाव हो, उन सभी चुनावों में हमने इमरान मसूद को पराजित किया है। 2019 के चुनाव में नहीं हरा सके थे, हमने हराया था, आपने नहीं हराया, हमने हराया था, आप जीते नहीं। हाँ, हम जीते भले ना हो लेकिन हमने इमरान को हराया था जी। वो एक तुष्टिकरण की आधार पर राजनीति करने वाले और जातिगत आधार पर राजनीति करने वाले दो दलों का गठबंधन हुआ था और हम सांसद के चुनाव के हिसाब से बहुत कम मतों के अंतर से उसमें पराजित हो गए थे, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उसमें भी इमरान को हमने हराया था। जिन माजिद अली की आप बात करते हैं, मेरा 2017 का परिणाम उठा करके देख लीजिए, मेरे देवबंद विधानसभा के चुनाव का, उनको मैं पराजित कर चुका हूं। दो पराजित उम्मीदवार सांसद रहे हुए एक उम्मीदवार के सामने लड़ रहे हैं, तो परिणाम आपके सामने साफ है। पर चुनाव में कोई भी कभी भी हारता है, मतलब इंदिरा गांधी भी हारी थी। मैं तो, क्या प्रभाष जी, मैं क्या कह रहा हूँ ना, 4 जून को मेरा निमंत्रण है आपको कि आप सहारनपुर के मतगणना स्थल आइए, जब परिणाम में हम विजय जुलूस लेकर के निकलेंगे, हम सबसे पहली शुभकामनाएं और बधाई आपसे लेंगे। नहीं नहीं, वो तो निश्चित रूप से अगर जीत होगी तो बधाई होगी, पर एक चीज बताइए, आपको क्या लग रहा है, 2014 रिपीट कर पाएंगे आप लोग यूपी में, 2019 रिपीट कर पाएंगे या उससे कम रह जाएंगे? 2014 से भी ज्यादा रिपीट करेंगे। अच्छा ठीक है, एक उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा की 80 लोकसभा, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, कर्मठ प्रधानमंत्री, कर्मशील प्रधानमंत्री, तपोनिष्ठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी तपस्वी मनस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 80 की 80 लोकसभा सीट हम उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है अपने सहयोगी दलों के साथ। चलिए ठीक है, तो ये तो हम 4 जून को आपसे बात करेंगे, पूछेंगे। एक हम जब कल सहारनपुर में देवबंद इलाके में ही आपकी विधानसभा में कुछ लोगों से रायशुमारी कर रहे थे, ऐसी तो कुछ लोगों का आरोप था कि छत्र जो विधायक जी हैं वो विकास काम में लेकर भेदभाव करते हैं इलाकों में, हिंदू बहुल इलाकों में ज़्यादा काम होता है, हमारे इलाके में कम काम होता है, तो ऐसी कोई सोच होती है या ये हो गया है? प्रभाष जी, मैं खुली चुनौती देता हूं जिन्होंने भी आपको ये बात बताई हो, और मैं आपको आंकड़ा देता हूं गांव दर गांव, आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूं, और जिन्होंने ये कहा है उनको मैं चुनौती देते हुए कहता हूं, अगर वो ये साबित कर दें कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री रहते हुए मैंने भेदभाव के साथ किसी उसमें काम किया है, तो
जो वो कहेंगे मैं, जो वो चुनौती स्वीकार है, मैं आपको अपने द्वारा कराए गए विकास कार्य, सरकार की नीतियों के नाते हुए विभाग के द्वारा किए गए विकास कार्यों का आंकड़ों के साथ प्रस्तुतिकरण दे सकता हूं। हां, अब उनको ऐसा क्यों लगता है, मैं इसका जवाब देता हूं। हम 1947 से लेकर के 2023 तक पहली बार भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका का अध्यक्ष में देवबंद में जिताने में कामयाब रहा। जरा उन लोगों से जाकर के ये पूछिए, 1947 से लेकर के 2023 तक एक समाज के, एक धर्म को मानने वाले लोगों के जहां कॉलोनियां थी, जहां वो निवास करते थे, वहां विकास कार्य अब तक क्यों नहीं हुए, मेरा उनसे सवाल है। हां, जब आपने 47 से लेकर के 23 तक वहां विकास नहीं कराया, चूंकि आप ही लोगों के चेयरमैन बनते रहे, सपा बसपा के दलों के चेयरमैन बनते रहे, तो क्या आज मेरा दायित्व तो नहीं बनता है कि मैं उनमें विकास कराऊं? इस नाते वो मेरे पर ये आरोप लगा रहे हैं। अब उनको आप कहिए फिलहाल 5 साल विपक्ष में बैठ करके सकारात्मक सोच की राजनीति करें, ताकि उत्तर प्रदेश, भारत सुरक्षित हो रहा है, भारत सुंदर बन रहा है, उत्तर प्रदेश सुरक्षित है, उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश बन रहा है, और उसी विकसित उत्तर प्रदेश में विकसित सहारनपुर बन रहा है, और उसी विकसित सहारनपुर में विकसित देवबंद बन रहा है। अच्छा, मतलब 4 लोकसभा क्षेत्र में घूमने के दौरान हमने ये पाया कि लोग कम उबेश, ज्यादातर लोग जो आपके विरोधी है वो भी मानते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश पहले से बेहतर हुआ है। लेकिन लोगों के एक दो आरोप हैं, जैसे है क्या कि कुछ गन्ना मिलों का बकाया भुगतान का भी आरोप है, कि जैसे लोगों ने खुलकर नाम लिया बजाज मिल का नाम लिया, सब जगह लोग, हम जहां जहां गए, जिन जिन का गन्ना बजाज मिल में पेराई के लिए जाता है, वो सब बजाज मिल से परेशान है। दूसरा जो एक मुद्दा है लोगों का, लोग कह रहे हैं कि ना ये जो सार, जो बोले शहरों में ये आवाज नहीं थी, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की शिकायत है कि सांड से बड़ा परेशान है छुट्टा पशु। हाँ, तो वो छुट्टा पशु से लोग बहुत परेशान है, और ये मुझे ध्यान आता है कि ये 22 के चुनाव में भी मुद्दा था, तो इसको लेकर आप लोग क्यों नहीं कुछ कर पा रहे? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात मैं बता दूं कि जहां तक गन्ना भुगतान का प्रश्न है, मेरे विधानसभा के क्षेत्र को भी बजाज ग्रुप की एक शुगर मिल थोड़ा सा प्रभावित करती है, लेकिन मैं आपको बता दूं प्रभाष जी, 2017 से पहले पिछले 20 साल का आप गन्ना मूल्य का भुगतान उठा के देख लीजिए, और 2017 से इस समय चल रहे सीजन तक, यानी कि जो पिछला सप्ताह गया, उसके भुगतान की मेरे पास, अगर आप पहले से ही मुझे थोड़ा सा इंटीमेट कर देते तो मैं उन आंकड़ों के साथ आपको जवाब दे देता। अब तक का सबसे ज्यादा भुगतान, अब तक का उत्तर प्रदेश के अंदर बनी समस्त सरकारों के बाद का अब तक का भुगतान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। दूसरी बात जो छुट्टा पशु की बात है, हम भी मानते हैं कि वह एक समस्या है। उस समस्या का, वो समस्या उत्पन्न क्यों हुई, ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। 17 से पहले अवैध कटान चलते थे, 17 से पहले अवैध मीट कटानों की दुनिया थी, अवैध कटान होते थे, इस तरह से लोग उनको, पशुओं को बेच देते थे या पशुओं को उठा ले जाते थे, इस नाते वो समस्या नहीं थी। हमारा गोवंश हमारे लिए पूजनीय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ लेने के बाद सारे अवैध कत्तल कारखाने बंद करा दिए थे, उसके बाद ये समस्या प्रारंभ हुई। सरकार की 2-3 योजनाएं, उनमें कान्हा उपवन है, गौशाला है, गाय को किसान को देकर के उसको सरकार उसमें अनुदान भी दे रही है, एक बड़ा प्रयास है। सरकार अपनी ओर से जितना प्रयास कर सकती है कर रही, अभी भी उसमें, इस बार के बजट में भी सरकार ने उसमें बजट में बढ़ोतरी की है। मेरा अपना मानना है मुख्यमंत्री जी उस समस्या के प्रति गंभीर हैं, और उस समस्या को हम बहुत जल्द एक ऐसे मुकाम पर ले आएंगे कि शायद किसान की फसल का नुकसान उसके कारण ना। लेकिन ये जो गौशालाएं और नान है ना, लोग ये अक्सर देखा गया है कि वो कुछ समय के लिए ले आते हैं, अनुदान ले लेते हैं और फिर उन्हें छोड़ देते हैं। नहीं, मैंने कहा ना, एक बड़ी समस्या थी, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेकर के एक नई योजना प्रारंभ की, और किसी भी योजना को प्रारंभ करने के बाद शुरुआत में कुछ कठिनाइयां आती हैं, वो कठिनाइयां स्वाभाविक रूप से आ रही होंगी, लेकिन हम उसका निदान करेंगे, ये हमारा जनता से वादा है। अच्छा, आपकी सरकार पर एक आरोप लगता रहा है कि आप लोग नाम बदलने की राजनीति बहुत करते हैं, और आपका भी एक बयान है कि देवबंद का नाम बदलेंगे, तो उसको लेकर क्या हुआ? वो पूरा प्रस्ताव और सारे तथ्यों के साथ मैंने मुख्यमंत्री जी के पास है। मैंने अपनी देश, अपने क्षेत्र की जनता से 2017 में ये वादा किया था कि हम देवबंद का नाम बदल के देवव्रत करेंगे। मैं अपने इस मुद्दे से पीछे नहीं हटाऊं, सारे तथ्यात्मक प्रमाणों के साथ मैंने मुख्यमंत्री जी को सौंप दिया है। अगर हमने इलाहाबाद को प्रयागराज किया है, अगर हमने फैजाबाद को अयोध्या किया है, तो धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, देवबंद को देवव्रत भी करेंगे।
चलिए ठीक है, तो ये थे हमारे साथ देवबंद के विधायक और यूपी सरकार में राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी। इन्होंने बताया कि हमारी स्थिति बेहतर होगी और इनका दावा है कि बीजेपी 2014 और 2019 के लोकसभा से बेहतर प्रदर्शन करेगी। बहरहाल ये पता 4 जून को चलेगा, तब तक आप देखते रहिए हमारी विशेष कवरेज 24 का चौधरी कौन, और बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।